आप बुलाए भूलिए है आपे मिल मिलाए नानक गुरमुख छूटिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत थक गए थे अभी। सो हमने क्या किया कि अभी एक गाड़ी करी है जो हमें 3 से 4 किलोमीटर ऊपर छोड़ देगी, देन वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। आओ तुम्हें मिला देता हूँ भैया। हेलो कर दो यार। हाय। हेलो। अच्छा सबको और सब हेलो कर दो। हेलो करो। हाय। सो गाइस, अभी एक हमारे पास सरप्राइज है, राइट? हुआ क्या, हमने सबने प्लान किया था कि हम लोग सारे अलग अलग पैदल वॉक करेंगे, बट हमारे साथ एक बंदा था शॉर्जो, जिसने बिना बताए हमें खच्चर कर लिया। शॉर्जो, कैसा एक्सपीरियंस है? यू आर गोइंग, इफ यू आर कमिंग डाउन, डू नॉट टेक दिस म्यूज, टेक अ हेलीकॉप्टर। सो अभी बीच में खच्चर आ गए थे तो इसलिए मेरे को साइड पे होना पड़ा, राइट? तो एक बार मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। अरे तो अभी तो हमने प्लान किया था सारे वॉक करेंगे, तो खच्चर क्यों किया? इससे बेहतर होता मैं फिर से एक बार हेमकुंड साहिब के लिए एक बार फिर से चल रहता। अरे वाह वाह, चल कोई नहीं, आगे मिलते हैं, ठीक है? तो गाइस, ये ट्रैक देख लो, अब ये कैसे किया हमने नहीं पता भाई, बट यार मैं नहीं बोल पाऊंगा कुछ, आपको जस्ट ये चीज़ दिखानी थी, इसके लिए मैं आया हूँ। तो देखता हूँ, अभी गुरुद्वारा साहिब बस पहुँचने वाला हूँ, देन मैं वहाँ पे आपको कुछ शॉट्स दिखाऊंगा और वहीं पे ब्लॉग को एंड कर दूंगा। हिम्मत नहीं रही अब। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, ये देख लो, ये सारी ट्रैकिंग हम करके आए हैं, वहाँ देख लो, और अभी हमने इसके पीछे जाना है, ये ग्लेशियर के पीछे। सो अभी वहीं पे कंटिन्यू करूँगा, अभी नहीं कर रहा, बाय। सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच गया सचखंड श्री हेमकुंड साहिब। बहुत थकावट हो चुकी है, आप ये पीछे देख लो, मेरे सामने सरोवर है, सरोवर बहुत कम है क्योंकि बाकी सारी की सारी बर्फ़ जमी हुई है, राइट? और यहाँ से गुरुद्वारे की एंट्रेंस है और आसपास पूरी स्नो देख लो आप एक बार, आप वहाँ की बात छोड़ो, स्नो यहाँ पे देख लो, मेरे सामने ही स्नो पड़ी हुई है बहुत, राइट? तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा।